नशा निरोधक पुलिस टीम इसार ने नशे की एक बड़ी खेप 8 किलोग्राम 230 ग्राम अफीम सहित पूनाराम वासी राजस्थान को रात्रि के समय काबू किया है। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस के दिशा निर्देश अनुसार नशीले पदार्थों पर व्यापार करने वालों पर कार्रवाई करते हुए हिसार पुलिस की नशा निरोधक पुलिस टीम ने सिरसा चुंगी हिसार से एक युवक को 8 किलोग्राम 230 ग्राम अफीम सहित काबू किया है। रात्रि के समय नशा निरोधक पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना मिली कि सिरसा चुंगी हिसार के पास एक युवक नशीला पदार्थ लिए खड़ा है, जिस पर एसआई शक्ति सिंह ने अपनी टीम के साथ बताई गई जगह पर हाउसिंग बोर्ड तिकोना पार्क के पास एक युवक को काबू करके उसको मजिस्ट्रेट डॉक्टर देवेंद्र सिंह जीवीएस चौधरी वास की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके कब्जा से एक पॉलीथीन की थैली के अंदर से उगेली बैग में से 8 किलो 230 ग्राम अफीम को बरामद किया है, जो आरोपी पूनाराम गांव लोहावट जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है। आरोपी अपने भाई बुधराम के साथ व अन्य दो साथियों के साथ रात्रि के समय अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में ये अपनी छिपा कर लाए थे, जो इसके भाई पूनाराम को इसके भाई बुधराम ने तिकोना पार्क के पास अफीम के साथ खड़ा कर दिया और उसको बताया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर लेने के लिए आएगा और आप उसको अफीम की डिलीवरी दे देना और वो कहीं दूसरी जगह पर चलाएगा। जो पुलिस ने सूचना पर इसको काबू किया है, इसने पूछताछ बताया कि यह अफीम वह है झारखंड से सुनील नाम के व्यक्ति से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर आए थे, जो पहले भी पूनाराम पर एक केस 20 किलोग्राम गुटा गोश्त के तहत राजस्थान में पकड़ा जा चुका है और इसके भाई बुधराम और उसके दूसरे भाई सुनील पर भी एनडीपीएस एक्ट के अलग अलग थानों में केस दर्ज है। अब इसको